नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक रेलवे जॉब के बारे में, जो देखा जाए तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जॉब है। तो कुल मिलाकर 2521 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है और टोटली अप्रेंटिस के लिए पोस्ट है। तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा, कौन सा ट्रेड के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से अप्लाई करेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो जॉब के जो डिटेल्स आप देखेंगे तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट का जॉब है और 2521 अप्रेंटिस का पोस्ट है। तो जो जॉब है टोटली आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कोटा, जयपुर, राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश, इस तरीके से कुछ जगह पे आपको जॉब मिलेगा। तो 2521 वैकेंसीज है, जिनमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 458, फिटर के लिए 651, डीजल मैकेनिक के लिए 24, वेल्डर के लिए 236 वैकेंसीज है, जिसमें मैशिनिस्ट के लिए भी पोस्ट है 42, टर्नर के लिए 20, यहाँ पे देखिए वायरमैन के लिए 55, यहाँ पे देखिए मैसन बिल्डिंग मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए 120, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कारपेंटर 137, पेंटर के लिए 124, यहाँ पे देखिए फ्लोरिस्ट एंड लैंड स्केपिंग के लिए 10, एंड यहाँ पे देखिए पम्प ऑपरेटर एंड मैकेनिक के लिए 25, साथ ही साथ असिस्टेंट के लिए 10, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए 141, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए 16, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 141, एंड स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आप देखेंगे 37, इंग्लिश के लिए 21, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन के लिए आपको 2, एंड फूड प्रोडक्शन यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए 2, एंड जनरल के लिए 2, एंड कुक मतलब कुकीज डिपार्टमेंट में 5। तो डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1, ट्विटर के लिए ट्विटर नेटवर्क टेली टेक्निशियन के लिए 4, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिजिटल असिस्टेंट के लिए 2, हेल्थ सेक्टर इंस्पेक्टर के लिए 5, डेटा डेंटल के लिए आपको 4, यहाँ पे देखिए मैरिटल जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है तो उसके ऊपर 5 वैकेंसी दिया गया है। एसी मैकेनिक्स के लिए पोस्ट है। तो कितने सारे पोस्ट है आप देख सकते हैं, कितना लंबा लाइन है। प्लम्बर भी है, स्वीपर्स भी है, स्विमिंग्स भी है, तो बहुत सारे मैकेनिकल्स भी है, आर्किटेक्चर भी है। तो सारे पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट 15 से 25 के आसपास है और ओबीसी के लिए 15 से 27 के और एससीएसटी के लिए 15 से 29 के आसपास आपको एज लिमिट देखने को मिला। तो इंटरव्यू से आप मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और सैलरी पैकेज 7,000 से 8,000 तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जी तो मतलब देखा जाए तो यहाँ पे अप्रेंटिस है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का जो फीस है वो 100 रुपीज जनरल ओबीसी के लिए और एससीएसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो इस सारे पोस्ट के लिए 10+ ITI पास आप कर चुके हैं तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट रहेगा 17 दिसंबर, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स डेटा आपको दिया हुआ हो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके पहले नोटिफिकेशन, उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना। तो नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन के सारे जानकारी आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से इस पोस्ट को देखिएगा और उसके बाद अप्लाई करिएगा। सारे नोटिफिकेशन के डिटेल्स देखने के बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई में क्लिक करना होगा तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा पहले, उसके बाद आपको लॉगिन करके बाकी डिटेल्स भर देना होगा। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।